हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10B एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीप्लाई एंड वी विल डिस्कस सी पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.16 मल्टीप्लाई बाय 4। सो सबसे पहले आप क्या करिए, 316 और 4 की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 6 24, कैरी 2, 4 1 4 5 6, 4 3 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 6 4। 3.16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 2 6 4, और 3.16 में जो डेसिमल है वो आपका थर्ड प्लेस पर है फ्रॉम द राइट। तो 1 2 6 4 के अंदर जो डेसिमल आएगा वो थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12.64। डी वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें ध्यान से देखिए, 5.72 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो 572 मल्टीप्लाइड बाई 13 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 7 21, कैरी 2, 3 5 15 16 17, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 7, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, 6 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 7 14 4, कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7436 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5.72 मल्टीप्लाइड बाई 13 क्या आ जाएगा, 7436, और डेसिमल आपका थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 74.36। इसी तरीके से ई पार्ट सॉल्व होगा, 1.432 मल्टीप्लाई 35। तो सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि इसमें डेसिमल पॉइंट भी है, सिंपल आप दो प्रोडक्ट्स लीजिए और इनका क्या करिए, दो नंबर्स लीजिए और इनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, 1432 मल्टीप्लाइड बाई 35, 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15 और 1 16 6, कैरी 1, 5 4 20 और 1 21, कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, अब इनको ऐड कर दीजिए, 0, 6 प्लस 6 12, 2 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, +1 11, 1 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 0 1 2 0। अब इसके अंदर जैसे आप ये देखेंगे 1.432 है, तो यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर आ रहा है डेसिमल, इस नंबर में फोर्थ प्लेस पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो फ्रॉम द राइट। ओके, तो इस नंबर के अंदर भी जो आपका ये 50120 है, इसमें भी आपका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा फ्रॉम द राइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50.120, ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसे 50.12 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे डी पार्ट, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या आ जाएगा, 312। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, तो इसके अंदर 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या आ जाएगा, 312। ओके, तो
इस क्वेश्चन के अंदर 2.6 में जो डेसिमल पॉइंट है वो सेकंड प्लेस पे है फ्रॉम द राइट, तो 3.1312 के अंदर जो आपका डेसिमल पॉइंट आएगा वो सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31.2। अब डिस्कस करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या आएगा 108। जैसा कि आप सभी को पता है 12 9s 108 होते हैं, जिस जिस स्टूडेंट को 12 का टेबल आता है वो इजीली इसको सॉल्व कर लेगा। फिर 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये कितना हो जाएगा 108, और इसके अंदर आपका जो डेसिमल पॉइंट है 1.2 में आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10.8। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6.139 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6139 मल्टीप्लाई 18 क्या आ जाएगा 110502। अब इसके अंदर आप यहाँ पर ये देखिए 6.139 है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो फोर्थ प्लेस पर है फ्रॉम द राइट, तो इसके अंदर भी, इस नंबर के अंदर भी आपका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 110.502। अब सी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट क्या है, 12.67 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1267 मल्टीप्लाइड बाई 14 क्या आ जाएगा 17738, तो 12.67 में जो आपका पॉइंट है वो थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 177.38। डी पार्ट, 3125 मल्टीप्लाइड बाय 54, तो 3125 मल्टीप्लाइड बाई 54 ये कितना हो जाएगा 16,08,750, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो 3.125 में डेसिमल पॉइंट आपका फोर्थ प्लेस पर आ रहा है फ्रॉम द राइट, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 168.750। तो इस वाले नंबर में भी जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो कौन से प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स को, फिर आप डेसिमल पॉइंट का प्ले को आप क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, जो डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल नंबर होगा इन दोनों नंबर्स में से, उसमें आप डेसिमल पॉइंट देखेंगे कि कौन से प्लेस पर है, उसके हिसाब से आप जो नंबर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इन दोनों नंबर्स को, उसमें आप उसी के हिसाब से, जैसे उसमें फोर्थ प्लेस पर है तो इसमें जो ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट फोर्थ प्लेस पर आएगा फ्रॉम द राइट। अब डिस्कस करेंगे बी पार्ट। इसमें क्या है, 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 38, तो 38 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 8s 48 कैरी 4, 6 3s 18 और 4 22 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3
अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद क्या आएगा, एट, एट प्लस टू टेन, ज़ीरो कैरी वन, थ्री प्लस वन फोर, फाइव सिक्स, तो 608 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 0.16 है, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट का जो प्लेसमेंट है वो क्या है, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो ये जो आपका आंसर आया है 608, इसमें भी जो आपका डेसिमल पॉइंट का जो प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल रिप्लाई यू देयर। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट। इसमें क्या है, 2345 मल्टीप्लाइड बाई 139, तो 2345 मल्टीप्लाइड बाई 139 क्या आ जाएगा, 32,05,955। तो इसके अंदर यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो कौन से प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है, यानी कि जो नंबर है ये 2.435, इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो फोर्थ प्लेस पर है फ्रॉम द राइट, राइट से चौथे स्थान पर आपका डेसिमल पॉइंट है। तो ये जो नंबर है 325955, इसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा वो कहाँ आएगा, फोर्थ प्लेस पर, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए होंगे उनको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका डेसिमल नंबर दे रखा होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से। अब जो डी पार्ट है उसमें क्या है, 5.213 मल्टीप्लाई 306, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5213 मल्टीप्लाई 306, 6 3 18 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7, 6 2 12 2 कैरी 1, 6 5 30 और 1 31 मल्टीप्लाई। फिर आप 0 से 5213 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप दो क्रॉस लगा देंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर आप इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 159 5178। तो अब आप क्या देखेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे 5213, तो इसमें जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर है, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। तो इस वाले नंबर में भी आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से आप डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1595.178। अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में, और ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो बी पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, 0.467 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 0.467 की मल्टीप्लाई जब आप 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में वन प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 4.67। और इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, और वो क्या है अभी डिस्कस करते हैं।
ये है आपका अनदर वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें 0.467 है, जब आप पॉइंट हटा देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अब क्या आ जाएगा आपका 467/100। और 467/100 आपका क्या हो जाएगा, 4.67। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये 4.67 कैसे आया, एक बार आप डेनोमिनेटर में ज़ीरोस काउंट करिए कितनी आती हैं, 2, और 2 के अंदर आप क्या ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर प्लेस होगा, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया, 4.67। अब डी पार्ट में क्या है, 0.936 है, इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे करी, 100 से करी, तो आपका डेसिमल पॉइंट दो प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो गया, तो आपका डेसिमल नंबर क्या बना, 93.6। तो जब भी आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर के अंदर, यदि आप 10 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोस देखने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस के हिसाब से आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि इसमें, इस क्वेश्चन में 0.936 मल्टीप्लाइड बाई 100 में क्या हुआ है कि मल्टीप्लायर जो है आपका 100 है, तो इसके अंदर दो ज़ीरो हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट दो प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया, तो आपका नंबर क्या बना, 93.6। एफ पार्ट में क्या है, 4787.52 मल्टीप्लाई 100, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस देख लीजिए, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका नंबर क्या बनेगा, 478752। इसमें क्या करना है, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, यहाँ से आप डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 478752। अगला क्वेश्चन है 1.3584, इसकी मल्टीप्लाई किससे करी है, 1000 से करी है, तो 1000 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 3, तो जो NOZS का क्या मतलब है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये कितने हैं, 3, तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका नंबर क्या बनेगा, 1358.4। सिमिलरली इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का स्टूडेंट्स, तो इसको देख लीजिए, 1.3584 पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 3 ज़ीरोस से 3 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी, नीचे डिनोमिनेटर में अब क्या बचा, 10 बचा, तो 10 वाले केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं, 1, तो इसमें 1 में एक 1 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2, यानी कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर प्लेस होगा, सेकंड प्लेस सेकंड फ्रॉम द राइट, तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो राइट में सेकंड प्लेस पर, राइट से सेकंड प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका नंबर क्या बनेगा, 1358.4। अब हम डिस्कस करेंगे सेवंथ क्वेश्चन में डी पार्ट, 0.146 मल्टीप्लाइड बाई 200, तो इसमें क्या है, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, 1000, और दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, तो अब आपका पास क्या बचा, 146 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 292। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और नीचे डेनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पर 146 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 10, तो यानी कि 292 अपॉन 10 आ जाएगा। तो 292 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 29.2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ए वाला पार्ट 5.26 मल्टीप्लाइड बाय 30, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आप 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आपका मल्टीप्लाई में है, तो आपका डेसिमल पॉइंट राइट में वन प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब आपका नंबर क्या बनेगा, 52.6 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 52.6 में पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 526 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन 10 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1578 अपॉन 10। यानी कि यहाँ पर ज़ीरोज़ देखिए कितनी है, 1, और इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, यानी कि आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेकंड पे, सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 157.8। डी पार्ट 25.36 मल्टीप्लाइड बाई 38। तो सबसे पहले 2536 को 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा, 96368। इसमें अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट आ रहा है, तो ये जो नंबर आया आपका 96368, इसमें भी आपका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 963.6068। यस, नाइन्थ क्वेश्चन 15.7 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 157 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या आ जाएगा, 2512। इसमें 15.7 में सेकंड प्लेस पर क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट। तो इसमें भी जो आपका नंबर आया है 2512, इसमें भी आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, 251.2। क्वेश्चन नंबर 12, 0.576 मल्टीप्लाइड बाई 19। तो 576 को पहले 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 1094। तो 1094 में 0.576 करना है, तो आप क्या देखेंगे, 0.576, इसमें आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ प्लेस पर आ रहा है फ्रॉम द राइट। तो इस नंबर में 10944 में जो आपका डेसिमल पॉइंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन, इसमें क्या है, 7314 और 238, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32, 3 8 1 8 और 3 11 1 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 कैरी 2, 8 7 56 और 258 क्रॉस लगा दीजिए, 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 3 7 21 दो क्रॉस लगा दीजिए, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14 प्लस लगा दीजिए,
नीचे आंसर क्या आएगा, टू, टू और वन थ्री, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन, सेवन कैरी वन, नाइन एंड वन टेन, एंड एट एटीन प्लस टू ट्वेंटी, ज़ीरो कैरी टू, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस वन एट, एट प्लस सिक्स फोर्टीन, फोर कैरी वन, फोर प्लस वन फाइव, प्लस टू सेवन वन। तो आपका आंसर क्या आया, वन सेवन फोर ज़ीरो सेवन थ्री टू। तो इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट अब कहाँ पर पुट करना है, फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट। तो फोर्थ प्लेस फ्रॉम द राइट इस नंबर में आप अपना डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, यानी वन टू थ्री, थ्री के बाद जो अगला वाला प्लेस आएगा फोर्थ प्लेस, वहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, वन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट सेवन थ्री टू। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिक्सटींथ क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, 7.28 मल्टीप्लाइड बाय 400। तो 7.28 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, 728 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 एट ज़ा 32, 3 4 टू ज़ा 8 और 3 11, वन कैरी वन, फोर सेवन ज़ा 28 और 129, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2912। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।